नमस्कार दोस्तों, श्री समृद्धि क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछले क्वेश्चन श्रृंखला में आपने देखा कि बेहतरीन क्वेश्चन आपको प्रदान किए गए थे। अब एक नई श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, नेक्स्ट पेपर के रूप में, पेपर नंबर 2 के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अपने मिशन की तरफ। टेस्ट पेपर 2। पहला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम बैंक है। ऑप्शन आपके सामने है, HDFC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, IDBI। इसका सही आंसर है बैंक ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री कौशल ऋण योजना प्रारंभ करने वाला प्रथम बैंक बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरिटन कप का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए बास्केटबॉल, ऑप्शन बी निशानेबाजी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी क्रिकेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सेमी स्पीड ट्रेन कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है, हेलेना, संपर्क क्रांति, शताब्दी, वंदे भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी वंदे भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किस शब्द को पुनः परिभाषित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अल्पसंख्यक, प्रत्यर्पण, गवर्नेंस, एप्लीकेशन। इसका सही आंसर है अल्पसंख्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय 2020 में सर्वाधिक रन बनाने वाला बल्लेबाज है। ऑप्शन आपके सामने है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मार्टिन गुप्टल, क्रिस गेल। इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत बचत हेतु वैश्विक पहल अर्थ आवर की शुरुआत कहाँ से की गई? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी बर्लिन जर्मनी, ऑप्शन डी सिडनी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी। वर्ष 2007 में ये पहल शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी। न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि आप किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार ना करें। नेक्स्ट, संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है? ऑप्शन आपके सामने, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 53। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता?
उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन आपके सामने है, एसडी देवगौड़ा, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंद्रशेखर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में? इसका सही आंसर है लोकसभा में। भारत सरकार द्वारा वित्त विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? ऑप्शन आपके सामने है, 1989, 1987, 1990, 1950। इसका सही आंसर है 1989, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? ऑप्शन कृपलानी समिति, संथानम समिति, गोडवाला समिति, चोपड़ा समिति। इसका सही आंसर है के संथानम समिति, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जेबी कृपलानी, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अंबेडकर। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी आर अंबेडकर ड्राफ्ट समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन यूएसए, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? ऑप्शन आपके सामने है, लोकसभा द्वारा, लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर है मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान यह प्रावधान करता है कि किसी भी विधानसभा में 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा इसका अपवाद है? ऑप्शन ए त्रिपुरा, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायालय का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने है, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका सही आंसर है भाग 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि प्रत्येक राज्य प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध कराएगा? ऑप्शन ए अनुच्छेद 349, ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए, ऑप्शन सी अनुच्छेद 127, अनुच्छेद डी, ऑप्शन डी अनुच्छेद 143। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 350 ए। 350 ए के तहत मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन बी सॉलिसिटर जनरल, ऑप्शन सी उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी एडवोकेट जनरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मताधिकार का अधिकार है, ऑप्शन आपके सामने है, संवैधानिक, मौलिक, कानूनी, नैतिक मताधिकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कानूनी। मताधिकार का अधिकार कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में जल भराव की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है, ऑप्शन आपके सामने है, कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, माही सागर, जवार सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राणा प्रताप सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IGNP के तहत राजस्थान फीडर की लंबाई है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के तहत राजस्थान फीडर की लंबाई है, ऑप्शन आपके सामने है, 256 किलोमीटर, 189 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 644 किलोमीटर। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 204 किलोमीटर राजस्थान फीडर की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। सूची एक में पर्वत चोटियां दी गई हैं और सूची दो में सम्मिलित जिले दिए गए हैं, इनको सम्मिलित करना है, बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। बिलाली अलवर में है, नागपानी उदयपुर में है, संबारिया सिरोही में है, लोहारगल झुंझुनू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, ऑप्शन आपके सामने है, मसूरदी, मैंथा, खारा नाला, कांतली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मसूरदी। मसूरदी को काकनी नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का प्रथम ह्यूमन एनाटॉमी पार्क स्थित है, ऑप्शन ए जवाहर सागर अभयारण्य, ऑप्शन बी फुलवारी किनाल, ऑप्शन सी वन विहार अभयारण्य, ऑप्शन डी राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फुलवारी किनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क स्थापित किया गया है, ऑप्शन आपके सामने है, खींवसर नागौर, सोजत पाली, कुलधरा जैसलमेर, भडला जोधपुर। इसका सही आंसर है भडला जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है, ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी बागी विदोरा, ऑप्शन सी इटाला, ऑप्शन डी घाटोल। बताइए दोस्तों कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बागी विदोरा। बागी विदोरा के बाद इटाला, इटाला के बाद बांसवाड़ा नगर, उसके बाद घाटोल। इस तरीके से दक्षिण से उत्तर की ओर इनका सही क्रम है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान का कौन सा जिला मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक नजदीक स्थित है, ऑप्शन आपके सामने है, जोधपुर, हनुमानगढ़, जालौर, नागौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जालौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के साथ न्यूनतम अंतर्राज्य सीमा का निर्धारण करता है,
ऑप्शन ए झुंझुनू, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अलवर। हरियाणा के साथ न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण कौन सा जिला करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जयपुर न्यूनतम सीमा का निर्धारण करता है, जबकि हनुमानगढ़ सर्वाधिक सीमा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान के आरंभिक अक्षांश व उच्चतम उत्तरी अयनवर्ती अक्षांश के मध्य समय अंतर है। ऑप्शन ए 27 डिग्री, ऑप्शन बी 7 मिनट, ऑप्शन सी 35 मिनट 8 सेकंड, ऑप्शन डी 27 मिनट। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 27 मिनट, क्योंकि राजस्थान का जो प्रारंभिक बिंदु है, आरंभिक अक्षांश है, वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, और जब उच्चतम अयनवर्ती उत्तरी अयनवर्ती की बात करते हैं तो कर्क रेखा होती है, तो कर्क रेखा और प्रारंभिक अक्षांश के मध्य 27 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला है? ऑप्शन आपके सामने है झालावाड़, भीलवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाड़मेर। अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला बाड़मेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जयपुर को रंगश्री के दीप की संज्ञा किसने दी? ऑप्शन ए कर्नल टोड, ऑप्शन बी श्यामा प्रसाद, ऑप्शन सी सीवी रमन, ऑप्शन डी एनएम कुरेश। इसका सही आंसर है दोस्तों सीवी रमन। सीवी रमन ने जयपुर को रंगश्री के दीप यानी आइलैंड ऑफ ग्लोरी की संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घावधि दिन है? ऑप्शन ए 21 मार्च, ऑप्शन बी 23 सितंबर, ऑप्शन सी 29 सितंबर, ऑप्शन डी 21 जून। इसका सही आंसर है 21 जून, क्योंकि 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी कर्क रेखा पर चमकती हैं, और इस समय भारत सहित संपूर्ण उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी दीर्घावधि का दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोपेन के BSHW जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व कौन सा जिला करता है? ऑप्शन आपके सामने है नागौर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागौर। BSHW की बात करें तो ये अर्धशुष्क प्रदेश है, और अर्धशुष्क प्रदेश का जलवायु का प्रतिनिधित्व नागौर जिला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लीली, सीरमा, सोकली व राकड़ है? ऑप्शन ए घास, ऑप्शन बी मेवाड़ प्रदेश की मिट्टी, ऑप्शन सी जनजाति, ऑप्शन डी कपास की किस्म। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है मेवाड़ प्रदेश की मिट्टी। लीली, सीरमा, सुकड़ी व राकड़ मेवाड़ प्रदेश में मिट्टी के स्थानीय नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के तहत देश के कुल कितने मरुस्थल खंड है? ऑप्शन आपके सामने है 72, 92, 142, 85। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 85। अगर हम देश की बात करें तो देश में कुल 142 डेजर्ट ब्लॉक हैं, जबकि राजस्थान में 85 डेजर्ट ब्लॉक हैं या मरुस्थलखंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में कृषि योग्य भूमि पर सर्वाधिक बोई जाने वाली दलहन फसल है? ऑप्शन आपके सामने है चना, मूंग, मोठ, अरहर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मोठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राजस्थान में समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है? ऑप्शन ए
मानसागर, ऑप्शन बी कनक सागर, ऑप्शन सी तलवाड़ा, ऑप्शन डी उदय सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तलवाड़ा, कि राजस्थान का निम्नतम बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन मुनिया चिड़िया पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है, सरिस्का, केवलादेव, माउंट आबू, राष्ट्रीय मरुद्या। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ग्रीन मुनिया चिड़िया कहाँ पाई जाती है, किस वन्यजीव अभयारण्य में पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माउंट आबू, वन्यजीव अभयारण्य में ग्रीन मुनिया चिड़िया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है? ऑप्शन ए एजी टेंसले, ऑप्शन बी एच जी रिटर, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हेकल, ऑप्शन डी फ्रेडरिक क्लीमेंट। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अर्नेस्ट हेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर, 22 मई, 18 अप्रैल, 25 जून। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 18 अप्रैल, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, लखनऊ, नागपुर, हैदराबाद, कोलकाता। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नागपुर, नागपुर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में नमक उत्पादक इकाइयों को तकनीकी सहायता हेतु मॉडल सॉल्ट फॉर्म की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए ताऊसर, ऑप्शन बी खींवसर, ऑप्शन सी नावा, ऑप्शन डी कपासन। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। मॉडल सॉल्ट फॉर्म की स्थापना कहाँ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नावा नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के कौन से जिले से सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी पाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पाली, पाली से सर्वाधिक एनएच गुजरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण भूमंडल का कितने प्रतिशत भूभाग भारतीय भूभाग है? ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन बी 10.41%, ऑप्शन सी 0.57%, ऑप्शन डी 5.7%। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0.57%। संपूर्ण भूमंडल का भारत 0.57% भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार है? ऑप्शन आपके सामने है, 3214 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2446 किलोमीटर, 2869 किलोमीटर। बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? ऑप्शन आपके सामने है, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश।
बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है। धन्यवाद दोस्तों।